मैं सायरा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रोग्राम हेल्थ शो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक सर्वे के अनुसार हर साल देखा जाए तो 2500 बच्चे जो है वो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित पाए जाते हैं और कम से कम 40,000 से 50,000 लोग भी हर साल ब्रेन ट्यूमर से इस वक्त पीड़ित है। ब्रेन ट्यूमर को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं और इन्हीं शंकाओं के कारण वो इसका सही इलाज नहीं करवा पाते। बट आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरपिंदर सिंह जी रमन कैंसर सोसाइटी से। आपको बता दें कि डॉक्टर हरपिंदर सिंह जी पिछले 50 सालों से कैंसर पीड़ित लोगों का इलाज करते आ रहे हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक ये इलाज जो है उन्होंने किया है और आज काफी लोग कैंसर जैसी बीमारियों से निजात पा चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर आखिर होता क्या है, क्या इसके लक्षण होते हैं, इसकी क्या क्या जो पॉसिबल इलाज है वो आयुर्वेदा से हम कर सकते हैं। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं हमारे मेहमान का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब हमने बात करी आज ब्रेन ट्यूमर को लेके, इसकी मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत ही गंभीर समस्या जो है आज के टाइम में बन चुकी है। पता ही नहीं चलता कि आपके जब एक मामूली सरदर्द कब ब्रेन ट्यूमर का रूप ले ले पता नहीं चलता। तो सबसे पहले ये बताइए कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। शुरुआती लक्षण जैसे सर में दर्द और जहाँ चक्कर आना, कमीर चढ़ना, ऐसे ऐसे उल्टी आना, इसके लक्षण हो सकते हैं जो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण है। जी तो सिर्फ क्या सरदर्द ही ऐसी चीज है, शुरुआत में सरदर्द ही होता है या कुछ और भी लक्षण जैसे सूजन होना कुछ पता चल सकता है कि किसी फिजिकल अपीयरेंस के साथ? जब जब चक्कर आएंगे, कमेर होगी, जहाँ उल्टी आएगी तो उसका स्कैन होगा, सीटी स्कैन या एमआरआई होगा, उसमें पता चल जाएगा उसके ब्रेन में ट्यूमर है जी। तो जब स्कैन होगा तो पता चलेगा, उसकी ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, हमारे पास आए, दवाई खिलाए और आम आदमी बहुत ठीक है। ब्रेन ट्यूमर जो ग्लायोमा ब्रेन ट्यूमर होता है बहुत खतरनाक होता है, तो वो बहुत जल्दी बढ़ता है। तो ये जो आपने बताया कि ग्लायोमा जो ट्यूमर होता है, और कितने प्रकार के ट्यूमर होते हैं ब्रेन में जो? कई प्रकार के होते हैं। जो ग्लायोमा सबसे भयानक होता है, बहुत जल्दी बढ़ता है जी। हाँ, जो जल्दी बढ़ता है तो आदमी की निगाह भी चली जाती है, कई बार निगाह चली जाती है आदमी को, चक्कर आने या दौरे पड़ने, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जी। जी उसका ट्रीटमेंट जी। तो डॉक्टर साहब क्या क्या कारण देखते हैं आप जो ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी जो है मतलब एक इंसान को लग जाती है, क्या कारण? कई बार चोट लगने से भी हो जाती है, कई बार ऐसे भी हो जाती है। तो हमारे पास जो दवाई हमने तैयार की है वो दवाई देते हैं और आदमी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये दवाई जो है सिर्फ खाने वाली दवाई है कि इसके अलावा भी कुछ इलाज होते हैं इसके? हमारे पास खाने वाली और लगाने वाली दवाइयाँ होती हैं, वो आदमी को लगा भी देते हैं और खाने वाली खानी होती है, खाने से बिल्कुल आदमी ठीक हो जाता है, उसमें भर्ती होने की जरूरत नहीं होती, घर बैठ कर ही आदमी। सबसे बेटर तो ये है, आदमी का पैसा जो वेस्ट होता है हॉस्पिटल में भर्ती होकर ही होता है, हम जो दवाई देते हैं घर बैठ कर दवाई खाए और उसका जो टाइम वेस्ट है या जो भी पैसा मनी वेस्ट नहीं जाएगा, ऐसे ही कर बैठा ही ठीक हो जाता है जी। तो जो आपने जिक्र किया दवाई का कि एक तो खाने वाली तो होती ही है, जो लगाने वाली है क्या वो हम लोग बाहर से अप्लाई करते हैं? हाँ, बाहर से लगाते हैं हम, शरीर के कहीं भी जो गांठ जहाँ कितने भी गांठ उभरी हो, हम 2-3 बार दवाई लगा दें तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं, गांठ का कोई ऑपरेशन कराना नहीं पड़ता। ब्रेन ट्यूमर के अलावा भी कहीं भी शरीर में गांठ हो, 3 बार दवाई लगाने से आदमी की गांठ गल कर बैठ जाती है, सही हो जाता है। यानी कि वो दवाई जो है वो बाहर से ही पूरी तरह से असर कर जाती है। सो दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या फिर डॉक्टर हरपिंदर सिंह जी को रमन कैंसर सोसाइटी कोहाड़ा लुधियाना में आकर अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं, अपना इलाज भी करवा सकते हैं। और यही नहीं, अपने सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ताकि आपके सवाल जो है हम डॉक्टर साहब से डायरेक्ट पूछ लें और आपको जो है आपके सवालों का जवाब मिल सके। सो डॉक्टर साहब ब्रेन ट्यूमर अगर कैसा मतलब आयुर्वेदिक जब आप इलाज करते हैं तो कितना पुराना जो है ब्रेन ट्यूमर इलाज किया जा सकता है? कितना भी पुराना हो, इसमें क्या होता है बाद में ना एक साइड डेड हो जाती है, जैसे क्लॉट ब्रेन में कोई क्लॉट जम जाता है तो अधरंग टाइप हो जाता है, अधरंग जिसका भी अधरंग हुआ उसके ब्रेन में क्लॉट जमा होगा, जब MRI या CT स्कैन होगी उसमें क्लॉट जमा आएगा, हम
हमारे पास एक मशीन है जो हम क्लॉट निकाल देते हैं दिमाग से। ओके। जब क्लॉट निकालते हैं तो आदमी ठीक होने लग जाता है, अधरंग वाला भी आदमी सीधा तुरने लग जाता है। तो क्या ये जो क्लॉट जमता है जब दिमाग के अंदर या सर के अंदर कह लो, तो क्या ये सर्जरी के थ्रू किया जाता है या सिर्फ एक सिंपल ही होता है? हमारा सिंपल ही सर्जरी हो जाती है, उसी टाइम हो जाती है, आधे घंटे में हम कर देते हैं, उसमें कोई ज्यादा कट नहीं होता, ऐसे ही हम मशीन से निकाल देते हैं तो आदमी चलने लग जाता है। सही। तो यानी कि जब ये सर्जरी हो जाती है कंप्लीट, तो विद इन फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटे के अंदर अंदर जो पेशेंट है वो घर जा सकता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जा सकता है। ओके। डॉक्टर साहब, कई बार हमने आपके थ्रू बहुत बार सुना है कि एक कप थेरेपी होती है जिसको हजामा थेरेपी भी बोलते हैं। तो सर मैं जानती हूँ कि क्या ये थेरेपी, एक तो ये जानना चाहेंगे कि क्या ये थेरेपी ब्रेन ट्यूमर में कारगर है, अगर है तो कैसे है, और कितनी जल्दी इंसान इस थेरेपी से ठीक हो सकता है? कपिंग से हम ना जो क्लॉट निकाल देते हैं जी, वो बस 10-15 ज्यादा घंटे का टाइम लगता है, कपिंग से हजामा थेरेपी बोलते हैं, उसी से निकाल देते हैं, आदमी ठीक होने पर चल जाता है। तो कई बार हमारे कई दर्शकों के मन में ये सवाल भी उठता होगा कि पता नहीं कप थेरेपी होती कैसे है और कैसे इसका प्रोसीजर होता है। मैं चाहूंगी एक बार आप इसे थोड़ा सा डिटेल में बता दें। और पेन, अगर पेन की बात करें तो कई लोग पेन से बहुत डरते हैं, तो इसमें क्या थेरेपी में ज्यादा पेन होता है या नहीं होता है, ये इसकी जानकारी? थेरेपी में पेन नहीं होता, जो पेन है वो निकल जाता है बॉडी से। पेन निकालना हो कहीं की भी हो तो पेन निकाल देते हैं जी, आधे घंटे में पेन, कितना भी भयंकर पेन हो तो उसमें निकाल देते हैं, आदमी ठीक होने लग जाते हैं। सो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई पेशेंट ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है, वो इलाज कराना चाहता है, तो कितना समय लगेगा उसे ठीक होने में, कितनी देर में ठीक हो जाएगा वो? उसको समय तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक लग जाता है, लग सकता है। हाँ जी, तो डिपेंड करता है कि उसका ब्रेन ट्यूमर कितना है, कितना बड़ा है, कितना है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है जी सर। हाँ जी, जो कैंसर की कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ हो, जो हम दवाई लगाते हैं बिल्कुल फ्री लगाते हैं, 3 बार लगाने से जो गलती है या गांठ है लगाने से गलती खत्म हो जाती है। सो दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, या फिर रमन कैंसर सोसाइटी कोहाड़ा लुधियाना में आके अपना इलाज करवा सकते हैं या जानकारी भी ले सकते हैं। और यही नहीं, अपना सवाल हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं ताकि आपका सवाल हम डॉक्टर साहब तक पहुंचाएं और वो आपको इस शो के माध्यम से जानकारी दे सके। सो डॉक्टर साहब, समा और इजाजत नहीं दे रहा, पर जी ये पूछना चाहूंगी कि ये जो बीमारी है इसके क्या आगे जाके क्या कारण हो सकते हैं, कहने का मतलब कि आगे क्या कैसा रूप ले सकती है ये? आगे जाकर जैसे आंखों की रोशनी चली जाती है, जहाँ दौरे पड़ते हैं उसको, तो उसको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, जो आंखों की रोशनी चली जा सकती, कभी कभी कहीं भी उसको आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा तो ड्राइविंग मत कीजिए, उसके बारे में आपको ऐसा है ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए जिसको ब्रेन ट्यूमर है जी। तो इसके अलावा कोई और बीमारी जो हो सके इसकी वजह से, जैसे पैरालिसिस वगैरह, अधरंग टाइप, अधरंग पैरालिसिस हो जाता है, आदमी चलने में लड़खड़ाता है, ऐसे वो काबिल नहीं रहता है चलने में, कई बार बोलना भी है उसको जोखिम भरा हो जाता है, बोल नहीं पाता सही जी। तो डॉक्टर साहब, जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज दे सकते। तो ऐसा है, ब्रेन ट्यूमर की दवाइयां जो हमने बनाई है, दवाई खिलाएं, आदमी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, 1 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, तो 6 महीने या साल खाने से बिल्कुल आदमी ठीक हो जाता है। सो दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर हरपिंदर सिंह पिछले 50 सालों से रमन कैंसर सोसाइटी चला रहे हैं और बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स इन्होंने ठीक भी किए हैं, और यही नहीं, हम समय समय पर आपको उन पेशेंट्स के साथ आपकी मुलाकात भी करवाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि उन्होंने बताया कि कैंसर किसी प्रकार का भी हो, वो हर प्रकार का कैंसर जो है ठीक कर सकते हैं, और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो भी यहाँ पे आकर ठीक हो चुके हैं और चाहते हैं कि आप भी, ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को है तो वो रमन कैंसर सोसाइटी में आकर अपना एक बार इलाज जरूर करवाएं, और बहुत ही कम दाम में आपका जो इलाज है वो किया जाता है। सो आज का एपिसोड मैं यहीं खत्म कर देती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।